नमस्ते, मैं प्रदीप हिजारदार, प्राध्यापक प्रदीप हिजारदार, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। और इस पाठ में ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग किसी उसी प्रकार झड़ जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, झड़ जाता है, और जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो गई हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाया जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयम रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वभाव है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्यता की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उसे स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब पशुता है तो पशुता को खत्म करने की जो जिद आदमी ने ठानी है। हमेशा एक बात बच्चों याद रखो कि सकारात्मक दृष्टिकोण आदमी को आगे बढ़ाता है, बल्कि नकारात्मक दृष्टिकोण को निकाल फेंक दो और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लो। मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण ये नाखून है तो ये इसे निकाल दो, अंदर की पशुता को नष्ट करो, और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना अभ्यास, अपना विवेचन सब कुछ करो और उसके अनुसार आगे बढ़ो। यही बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के जरिए करते हैं। तो बच्चों इस पाठ के ऊपर कुछ स्वाध्याय हैं, उसके अंदर कठिन शब्द भी है, जैसे कि वनमानुष बंदर की एक प्रजाति, पाशवी मतलब पशुवत, निर्बोध मतलब अज्ञान, आचरण मतलब बर्ताव या व्यवहार, लुप्त का मतलब होता है गायब, घृणा का नफरत, द्योतक का प्रतीक होता है, और चरितार्थ का सार्थकता, इस प्रकार के कठिन शब्द है। उसके अंदर फिर प्रवाह तालिका भी है, मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शने वाली बातें हैं, प्रतीक लिखो ये भी है, उत्तर भी लिखो, और ये प्रकार का व्याकरण तथा सब कुछ है। तो इस पाठ को जरा अभ्यसित करो, और तब तक के लिए हम यहाँ पे विश्राम करते, देखते जाओ वीडियो और अभ्यास करते जाओ।